देश के साथ साथ हरियाणा में भी लोकसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। सभी दल रैलियों के जरिए प्रदेश की जनता के सामने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच गुटबाजी की खबरें किसी से छिपी नहीं है। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा हो, चाहे वो किरण सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का खेमा हो। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये दो तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि घड़ों में बटी हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहली तस्वीर में दिखाई दे रहे हरियाणा कांग्रेस के तीन दिग्गज नेता सुरजेवाला, सैलजा और किरण चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी में एकजुटता होने का संदेश देने में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के नेताओं ने बुधवार को अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी में चल रही गुटबाजी की खबरों का खंडन कर दिया। इतना ही नहीं, एक तरफ हुड्डा खेमा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करता है तो दूसरी तरफ कुमारी सैलजा ने फतेहाबाद में मीडिया के सामने आकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से साल 2024 के लिए तय जीत रोडमैप के लिए की चुनावी वादों पर जमकर कटाक्ष किया तो रोहतक से विधायक बीवी बत्रा ने कुमारी सैलजा को नसीहत दे डाली। हमारी सरकार आएगी तो पहले की तरह गरीब बच्चों को, दलितों को, वंचित को, बैकवर्ड को, बच्चों को पहली जमात से वंचित देंगे, नागरिकों को पढ़ाने का काम करेंगे और 3,82,700 बच्चे फ्रॉड दिए थे हमने, इन्हें एक भी नहीं दिया तो वो काम फिर शुरू करेंगे हम। पेंशन जो है उधर की 6,000 महीने बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के भाई, ये हमारी पार्टी का स्टैंड हमेशा रहा है। घोषणाओं की बात है, तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, कहीं कैंडिडेट की घोषणा हो जाती है, कहीं कुछ और घोषणा हो जाती है, कहीं को मैं भी करने लग जाऊं, लेकिन पार्टी में एक गरिमा होती है, एक सिस्टम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बने उसमें चाहे आपका सुझाव है, चाहे उनका सुझाव है, चाहे मेरा सुझाव है, चाहे हमारे किसी भी साथी का या जन का कोई सुझाव, सभी सुझावों को लिया जाएगा। अगर कोई अच्छे सुझाव हैं तो इनके सुझाव सब बीच में मैनिफेस्टो कमेटी जब बनेगी तब करेंगे उसको। तो इस तरह की बात, देखो अब मैं, जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेवारी से काम करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो अनाउंसमेंट हो रही है वो लागू हो। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने नेता प्रतिपक्ष को हंसते हंसते हुए खुलेआम एसआर के गुट में शामिल होने का न्योता दे डाला। एसआर के अलग से ऐसे गुट दिखाया गया मीडिया में आज। देखो मीडिया में तो क्योंकि हमने तीनों ने मिलके की थी तो मीडिया से मैं कभी किसी चीज़ का वो नहीं करती, आप अपने हिसाब से करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये कांग्रेस है, सबका स्वागत कांग्रेस। काबिले गौर है कि हरियाणा कांग्रेस के इन नेताओं की मंजिल तो एक है लेकिन राहें जुदा जुदा हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने समय से रहते हुए नेताओं में आपसी सामंजस्य नहीं बनाया तो आगामी चुनावों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल के साथ फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट।